Hey guys, good morning. Welcome back to my channel Priya Sinha's Lifestyle. और आज है Saturday weekend guys. और मैं हो चुकी हूँ office के लिए बिल्कुल ready आपके सामने. और मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ दीपक जी से, मम्मी से और दीबू से. Hi everyone. Say good morning. तो दीबू की ने की है आज छुट्टी स्कूल की. और दीबू मैंने आज मॉर्निंग में बनाए हैं छोले चावल, काले वाले छोंचा ने. तो दीबू वो खा रही है अभी. और मम्मी लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं अभी. मैं आपसे मिलती हूँ ऑफिस पहुंच के. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस. सो गाइस, दीपक जी हैं ये रहे सामने. हेलो बोल दो. हेलो फ्रेंड. हे गाइस, आई एम बैक. घर पर आ चुकी हूँ, चेंज कर लिया है. और अभी आप सारी जगह कपड़े 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 देख रहे होंगे क्योंकि मम्मी ने वॉश की हैं आज कपड़े. और हो गई है बारिश, तो कोई बात नहीं, कपड़े घर के अंदर सूख रहे हैं फिलहाल. और आज मेरा मूड बहुत खराब है, और वो भी किस लिए, किस लिए मैं आपको बताती हूँ. इनकी वजह से, इन्होंने मेरा मूड खराब किया है. इन्होंने मुझे घुमाने वाले थे, हम सबको, दिव्या को, मम्मी को, मेरे को घुमाने लेके जाने वाले थे. सोचा था वीकेंड है गाइस, वीकेंड घूमने जाएंगे. और देखो इतना इतना के पढ़ा रहे हैं अब दीबू को, सारी जिंदगी कभी पढ़ाया ना हो इन्हें. मेरे अरमानों पे बारिश फेर दी गई है. मेरा वीकेंड, मेरी बेटी, हमारे अरमानों पे बारिश आ गई है. हमारे एक वीकेंड का प्लान कैंसिल हो गया है. हम घूमने जाने वाले थे. मैं दो तीन बार पेट हैवी हो रहा. तो क्या खाना है डिनर बताओ. क्या कर रही है यार. हाँ ये अच्छा होना. क्या करना है डिनर. आप क्या कहते हो मम्मी, क्या खाना है. मैगी. डिनर में डिसाइड हुआ है सब, कोई नहीं खाना चाह रहा डिनर, कोई नहीं कुछ खाना चाह रहा है. सब कह रहे हैं मैगी क्योंकि अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और बारिश में गरम गरम मैगी खाने का सबका मन है. विद एक गिलास दूध सब लेंगे और मैगी खाएंगे क्योंकि मैगी के वजह से तो कल दिव्या की इतनी डांट पड़ी थी ना परसों. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग प्रिया सिन्हास लाइफस्टाइल. वेलकम टू संडे व्लॉग. आज है संडे और मैं अभी सो के उठी हूँ 9:15 पर. लिटिल लेजी टुडे. ठीक है यार, रोज सुबह तो उठते ही हो ना, एक संडे को उठ गए तो कोई परेशानी नहीं है. संडे में वैसे भी लेट ही उठती हूँ. चलो तो देखते हैं अब आगे आगे क्या करते हैं, क्या करेंगे. और ये रही दिव्या. दिव्या देखो कैसे नौटंकी करके आपको दिखा रही है. अभी अच्छा खासा डायरी और पेन लेके कौन सोता है. ये नौटंकी देखो इसकी. गुड मॉर्निंग बोलो सबको. लव यू बोलो सबको. आई लव यू. अरे वाह. और मम्मी कहाँ है, मम्मी से भी मिलवाती हूँ आपको. नमस्कार तो बोल दो, पूछ तो लिया करो कैसे हो सब. तो गाइस मम्मी कैमरे में आ जाती हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो आप सबको हाय बोल देती हैं, यही है. वो कहती है, उनका कहना है ये क्या करती रहती है तू. वेल अब तो अभी मेरी तो सुबह अभी शुरू हुई है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है. कल तो प्लान सारे चौपट हो चुके थे, बारिश ने सारे प्लान को साफ कर दिया था. हाँ चौपट कर दिया था हमारे सारे प्लान को ना दीबू. हम घूमने जाने वाले थे और सारा प्लान हमारा क्या किया, चौपट चौपट.
टाइटाई फिश, और सिन्हा साहब जी ने भी थोड़ा सा नहीं लिया कि चलो जल्दी चलो चलते हैं। तेरे पापा सिन्हा साहब कौन कि चलो चलते हैं, उन्होंने और उनको तो बहाना मिल गया ना घुमाने का। नहीं नहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना, पर आज उनको नहीं छोड़ा जाएगा, आज तो घुमाना ही पड़ेगा, आज तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी अगर नहीं ले जाए तो। नहीं ले जाए तो। सो बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस। सी गाइस, संडे ब्रंच, ब्रेड रोल, आलू टिक्की इन द ब्रंच, संडे ब्रंच मैंने बनाई है गाइस। संडे में ज्यादातर हम ब्रंच करते हैं, तो मैंने बनाई है ब्रेड रोल एंड आलू की टिक्की। मम्मी की फेवरेट है आलू की टिक्की, तो थोड़ी सी आलू की टिक्की भी बना दी, ब्रंच भी, ब्रंच में ब्रेड रोल भी बना दिया। स्पेशली मम्मी ने ही बोला ब्रेड पड़ गए, आलू उबाल लो, ब्रेड रोल बना लो, तो मैंने बना दिया। मौसम भी अच्छा है, साथ दे रहा है, बारिश का है तो बेस्ट है। चलो तो हम करते हैं अपना ब्रंच इंजॉय, आप लोग भी कीजिए, फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सोच रहे होंगे ये संडे को कहाँ चल दी मास्क वास्क पहन के, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अभी दिखाती हूँ कि दीपक जी क्या कर रहे हैं। तो दीपक जी कर रहे हैं गाड़ी बैक दिस टाइम, अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं किसी काम से बाहर, और किस काम से जा रहे हैं ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ। सो मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में और मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। आज मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, राशन थोड़ा सा घर का खत्म हो रहा था तो बस वही लेने आज जा रही हूँ। दीपक जी मेरे साथ हैं, दीपक जी सबको हाय हेलो बोल दो भाई। फ्रेंड्स कैसे हैं आप, सब बढ़िया है। तो मैं 10-15 मिनट पहले ही गई थी, अभी लेके सारा सामान घर पे। बस मेरे ब्लॉग में आप देखिएगा मैं कहाँ से लेकर आती हूँ सारा सामान। वेल, मैं सारा सामान लेकर आती हूँ राज मंदिर से। जो लोग पश्चिमपुरी पंजाबी बाग के नियर रहते हैं, रोहिणी दिल्ली में रहते हैं, वो राज मंदिर को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उसकी काफ़ी ब्रांचेज दिल्ली में हैं जगह जगह पर। तो बेसिक जो घर की रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हम राज मंदिर से लाते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहीं और से परचेज करते हैं, बिकॉज वो मम्मी का अपना है कि वो पहले से ही अपने ही टाइम से कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से पर्टिकुलर उनको पसंद है तो वो वहीं से लेती हैं। तो कुछ बेसिक राशन जो होते हैं, सर्फ है, तेल है, ऑयल्स वगैरह हैं, शैम्पूज़ हैं नहाने का, और भी छोटी मोटी बेसिक चीज़ें जो होती है वो हम राज मंदिर से ले लेते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे ना अभी मैं आपको वीडियो में आप देखोगे कि बहुत जगह वहाँ पर बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू का ऑफर चल रहा है, तो कई कई चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल जाते हैं, वहाँ पर स्कीम अच्छी अच्छी आई हुई होती है वहाँ पे। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, कुछ बेसिक सामान राज मंदिर से ले आते हैं, और बाकी का जो आटा वगैरह है वो हर जगह का हमें पसंद नहीं आता, स्पेशली मम्मी को नहीं पसंद क्योंकि वो अपने टाइम से एक पर्टिकुलर जगह से खाते हुए आ रहे हैं रोटी, जहाँ के आटे की वो वहीं की पसंद करते हैं, वो भी एक चक्की है जहाँ से हम लेकर आते हैं। तो आज शाम को मैं जब जाऊँगी, क्योंकि आज ग्रॉसरी डे है, सारा सामान घर का लाके रखना है इकट्ठे मंथ का, तो
आज जब मैं जाऊंगी शाम को तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड हमारे साथ। फिलहाल मैंने आके खिचड़ी बनाई है क्योंकि 4:15 हो रहे हैं अभी, तो बस क्योंकि उस टाइम ब्रंच किया था जो मैंने आपको दिखाया था, तो अभी भूख लग गई है सबको, तो खिचड़ी बना रहे हैं और देखते हैं शाम का क्या प्लान है। हेलो, अभी हम फिर से गाड़ी में हैं। हम कहाँ जा रहे हैं दीवू, हम कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताओ। और दीवू छुप के बैठ गई है, दीवू छुप गई है, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, कम 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 कम, जल्दी सबको दिखाओ। एक छोटी सी चुहिया जल्दी से आएगी, जल्दी से आएगी। ये कहाँ जा रही है? हम जा रहे हैं मार्केट, हम जा रहे हैं मार्केट। और वो रही मम्मी, मम्मी मम्मी कैमरे में देख लो, ये रही मम्मी। और दीपक जी अभी गए हैं, अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, तो आपसे मिलवाते हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं शंकर रोड पर हूँ। शंकर रोड पर बहुत फेमस चक्की वाला है जो हर तरीके के आटे और चावल रखता है हर रेट में, हर रेंज में। और मम्मी काफ़ी सालों से सिर्फ यहीं से ले रही हैं। यहाँ मम्मी मुझे बता रही हैं कि कम से कम 40 सालों से ये यहीं का आटा खा रही हैं। वो बात अलग है कि टाइम के साथ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, अलग है, लेकिन कम से कम 40 ईयर्स से मम्मी यहाँ से आटा ले रही हैं। खाने के लिए मेरा दिल खुश होता है। हमारा भी ना दिल यहाँ खाने के लिए खुश होता है। बेसिकली मम्मी और दीपक जी तो आते हैं यहाँ आटा लेने, पर हम दोनों माँ बेटी आते हैं यहाँ खाना खाने। यहाँ पर ना चाइनीज, तंदूरी, यहाँ पर पूरा हब है समझ लो। पूरी रोड खाने पीने के स्ट्रीट फूड से भरी पड़ी है। जूस सब कुछ ले लो अब यहाँ पर, यहाँ सब मिलता है खाने के लिए। शंकर रोड हाँ। और यहाँ से हम, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बताया कि मम्मी अब यहाँ बीन टेकिंग फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, मम्मी मैं तो नहीं, मम्मी 40 सालों से यहाँ से आटा ले रही हैं। आप देख रहे हैं अभी तो उनका बेटा बैठा हुआ था। उस टाइम पे तो मम्मी कौन बैठा होता था? उनके बाप थे, मतलब उनके फादर बैठते थे। फादर हैं अभी भी, आपको दिख रहा है क्योंकि ना अंधेरा हो रहा है। सो गाइस अभी देखते हैं हम क्या खाते हैं और फिर आपको मिलवाती हूँ मैं। दीपक जी से भी नहीं मिलवाया मैंने अभी तक, तो मिलवाती हूँ। गाइस तो अभी हम आ गए हैं शंकर रोड डोसा खाने, एक्चुअली साउथ इंडियन खाने, नॉट डोसा ओनली। तो हम सब आज थोड़ा सा मन था कि सुबह भी फ्राई हो गया था, तो अभी सब साउथ इंडियन खाने आए हैं। और शंकर रोड पे बहुत पुराना, एक्चुअली मैं आपको बार बार पुराना बोल रही हूँ, तो पुराना मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि राजेंद्र प्लेस में हम लोग पहले रहते थे। हम लोग नहीं, मैं नहीं, मेरी शादी तो पश्चिमपुरी में ही हुई है। मम्मी जो मेरी मदर इन लॉ है वो शादी होकर राजेंद्र प्लेस आई थी पहले, साइड से पहले, छोटी स्लाइड। तो वो मतलब ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स हो रहे हैं अभी तो। अब तो काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ से शिफ्ट करे हुए, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो हम जहाँ के होते हैं वहाँ की अच्छी लगती है, हमें वही टेस्ट पसंद आता है। तो अभी क्या है कि वही चल रहा है। आज शंकर रोड आए थे तो जो हमारे जहाँ से हम पहले खाते थे, पुरानी जगह आपको मैंने वो तो दिखाई जहाँ से हम आटा वगैरह हमारे घर का आता है। और ये जो छोटा सा आप स्टॉल कह लो, होटल कह लो, छोटी सी जगह है, बट ये बहुत पुरानी है यहाँ पर डोसे की। और बहुत यमी होता है यहाँ का टेस्ट डोसे का, बहुत अच्छा होता है। तो गाइस हमने यहाँ मंगवा लिया था बड़ा सांभर, मैंने और दीपक जी ने, और मम्मी ने खाया था प्लेन इडली, और उसके बाद हमने सबने पिया था मैंगो शेक। सो गाइस वीकेंड ओवर हो चुका है, अब कल से वही सेम रूटीन, मंडे टू सैटरडे दीवू अपने स्कूल जाएगी, दीपक जी अपने ऑफिस जाएंगे, और मैं अपने ऑफिस जाऊंगी, मम्मी अपने घर के जो वो करती हैं काम वो सारे काम करेंगी। तो मतलब 5 सबकी ड्यूटीज डिवाइडेड है, सब अपनी अपनी जॉब काम करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे सबका ऐसे ही रहता है, एक संडे होता है जो पूरी फैमिली काम के साथ साथ थोड़ा फन भी करती है। तो गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे हेल्दी, बाय बाय।